काम प्रारंभ किया। स्थापना के समय से लेकर आज तक हमें कहते हैं, ये मांग करते हैं कि जब तक देश में आर्थिक नीतियां बदलेंगी नहीं, तब तक इस देश के गरीब का, मजदूर का भला नहीं हो सकता। आजादी के बाद से आज 70-72 साल बीत गए, हमने इतनी सारी सरकारें देखी, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने राज किया देश पर, देश पर राज किया, प्रदेशों में राज किया। हम बचपन में एक नारा सुनते थे चुनाव के समय, फला को जिताओ, गरीबी हटाओ, हमको वोट दो, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। आज देश को 70-72-74 साल आजादी को हो गया, आज भी वो नारे वैसे के वैसे बरकरार है। आज भी लोगों को, हाथों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार नहीं मिल रहा। आज भी खेती किसानी की समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा। बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं, देश में तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ जाता है, देश में वेल्थ बढ़ रही है, संपदा बढ़ रही है, और उतनी ही मात्रा में आंकड़े बताए जाते हैं देश में गरीबी भी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और इसलिए हमने जो कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने प्रारंभ से ही कहा कि जिन आर्थिक नीतियों पर, जिस धरने पर देश देश के सत्ताधीश चलने की कोशिश कर रहे, उससे इन प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए आज की ये जो ललकार है, आज ये जो हम सब लोग एकत्र आए हैं, हम सरकार की आर्थिक नीतियों में टोटल समग्र परिवर्तन चाहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए आर्थिक नीतियों में, इस मांग को लेकर हम आए हैं मित्रों। यहां अलग अलग उद्योगों की, अलग अलग सेक्टर की विषयों का, समस्याओं का यहां पर जिक्र हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्कीम वर्कर, सासा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, दुनिया भर की स्कीमें सरकारों ने चलाई, कैसी विडंबना है। 1975 से स्कीमें शुरू हुई है, आज 40-42 साल होने के बाद भी इन वर्कर्स को, इन बहनों को, यहां काम करने वाले लोगों को कहा जाता है ये वर्कर नहीं है। कानून की निगाह में जो टेक्निकल कानूनी परिभाषा आती है वर्कमैन की, उसके तहत ये वर्कर नहीं है। इसलिए वर्कमैन को मिलने वाली सुविधा, उसका न्यूनतम वेद, उसकी सोशल सिक्योरिटी, उसके बाकी के अधिकार वो उसको मिल नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं सरकार में जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वर्कर का आखिर मतलब क्या होता है? एक साधारण आदमी जानता है, इस अंग्रेजी के शब्द का मतलब है काम करने वाला, जो काम करता वही वर्कर है। ये वर्कर नहीं, इसका मतलब ये काम नहीं करते, और अगर काम करती है तो इनको वर्कमैन का दर्जा, इनको वर्कर का स्टेटस, इनको वर्कर की मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए भारतीय मजदूर संघ की मांग है, ये आंगनबाड़ी, ये आशा, ये मिड डे मील की बहनें, इनको सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई दूसरी मांग इनके लिए हमारे पास होती नहीं है। हम काम करते हैं, सरकार की सब योजनाओं को गांव में, देश के दूर दराज गांव में एक एक घर तक पहुंचाने का काम करते। अभी नीति आयोग ने एक मसौदा सौंपा है सरकार को, और वो कह रहा कि आंगनबाड़ी के लोगों को एक काम दिया जाना चाहिए। हमसे जनगणना कराएंगे, हमसे सब प्रकार का सर्वे कराएंगे, कोई भी काम बाकी नहीं जो हमसे ना करवाया जाता हो। हमसे काम लेते हो, हम काम करते हैं, तो हम काम करने वाले हैं, ये कानूनी रूप में माना जाए, और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बिना कोई दूसरी बात नहीं, इसके बिना कोई समझौता नहीं, हमको ये दर्जा मिलना चाहिए साथियों।
85 से मार्च 1985 से सरकार ने देश में ग्रुप सी डी की भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। बताया गया कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई व्यवस्थाएं आ गई, इसलिए शायद कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आंकड़े ये बता रहे हैं, आज जमीन के हालात ये बता रहे कि एक तरफ तो सरकारी नियुक्तियां, अस्थाई नियुक्तियां उन पर रोक लगी है, दूसरी तरफ कई कई गुना कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रोजगार पर रखा गया। आज पूरे सरकार के पास 67% लोग कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाई है। देश का कानून कहता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबुलेशन एक्ट कहता है, पेरेनियल नेचर का काम, अस्थाई नेचर का काम, पक्का काम, ऐसे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रहना चाहिए। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, अगर यही काम कोई प्राइवेट कंपनी करे तो हम सरकार में जाके गुहार लगा सकते हैं कि देखिए आपका एक कानून है और अमुक कंपनी का मालिक इसका उल्लंघन कर रहा है। कानून में इस कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा का प्रावधान है। लेकिन इस केस में हमारा कैसा दुर्भाग्य है, जिस पार्लियामेंट ने कानून बनाया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पास किया, जिस केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी ली, आज वही भारत की सरकार इस कानून का उल्लंघन कर रही है। इस सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए। कौन सी अदालत से सजा इसके लिए तय होती है? कानून बनाने वाला कानून का उल्लंघन करता है। उस एक्ट में यह भी लिखा है इनको समान काम का समान दाम मिलना चाहिए। सरकार में जरा भी चेतना होती, नैतिकता होती, इन कानूनों का पालन करते हुए वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लाती। सरकार खुद करती नहीं, लोग सड़कों पर लड़ रहे, अदालतों में लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, एक नहीं तीन तीन फैसले पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार को कैसी बेशर्मी है, खुद का बनाया कानून नहीं मानती। इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यह सरकार नहीं मानती। और इसलिए मित्रों, भारतीय मजदूर संघ इस मांग के साथ आज यहां खड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हमारे सभी बंधु बहन, इनके अस्थायीकरण की योजना तुरंत आना चाहिए, इनको तुरंत पक्का किया जाना चाहिए जहां पर वो काम कर रहे हैं, और इनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। ये केवल मांग के नाते प्रश्न नहीं है साथियों, हम यहां पर कोई चार्टर ऑफ डिमांड दोहराने नहीं आए, यही मांग है। आप सब भी जानते हो, मैं बता के नया काम नहीं कर रहा हूं। हमने कहा कि हम सब लोग यहां पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करे, ये जो काम, ये जो मांग, ये जो विषय है, इनका समाधान लाए। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का, हमको 70-72 साल आजाद हुए हो गया, आज तक देश में कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनी। कितनी कैटेगरी के लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो कोई कैजुअल, कोई बदली, कोई टेम्परेरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई रेगुलर वर्कर। अरे यार, कोई तो एक नीति तय करो, किस प्रकार की नियोजन नीति होगी इस देश में। एक तरफ सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं देश में रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जो रोजगार बनाने के लिए जो कानून होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए, जो कानून और नियम रोजगार सृजित कर सकते हैं,
ऐसे कानूनों को सरकार मानना नहीं चाहती, ऐसे कानूनों को सरकार बनाना नहीं चाहती। तो मैंने जैसे कहा, हम बचपन में नारा सुनते थे, हमको जिताओ सबको रोजगार देंगे, लेकिन सरकारें पिछले 70 सालों से ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। देश में संपदा बढ़ती है, रोजगार नहीं बढ़ता। इसलिए मित्रों, जब तक नीतियों में बदल नहीं आता इसका समाधान नहीं आता। इसलिए नीतियों में बदल के बाद सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स को लेकर एक अभियान चलाया गया। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। हम भी कहते हैं मत करो, लेकिन बिजनेस करने का कोई तरीका तो तय करो। पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट, उनका स्ट्रेटजिक सेल, हर तीसरे दिन अखबारों में खबर आती है 4 पब्लिक सेक्टर का विनिवेश होगा। आज इतने लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, उनके यहां छटनियां होंगे। भारतीय मजदूर संघ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है। हमने सरकार को कहा है, एक ईमानदार एनालिसिस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। आज देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है, देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोज कुछ ना कुछ घोषणाएं होती है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी से जो प्रयत्न होना चाहिए उसको सरकार करना नहीं चाहती। पिछले साल बजट के समय एक घोषणा की गई कि ये जो कर्मचारी का पीएफ कटता है, कंट्रीब्यूशन जो पीएफ का जाता है, हम सब जानते हैं अभी कर्मचारी भी पीएफ कटता है, उसके नियोक्ता का इंप्लायर का भी अंशदान आता है। तो एक प्रस्ताव लाया गया, एक विषय पार्लियामेंट में लाया गया कि सरकार कर्मचारियों को पीएफ पे अंशदान से छूट देना चाहती। हमने पूछा ऐसा क्यों चाहते हो, तो उन्होंने कहा टेक होम सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारी को घर जाते समय उसकी जेब में ज्यादा पैसा मिलेगा। हमने कहा उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, कर्मचारी ज्यादा पैसा लेके जाए तो उसका वेतन बढ़ा दो। उन्होंने कहा वेतन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कर्मचारी खुशहाल रहे इसलिए टेक होम सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। क्या सचमुच यही नियत है कि कर्मचारी खुशहाल रहे? असली बात दूसरी है। असली बात यह है कि आज बाजार संकट में हर छोटी बड़ी चीज बाजार में किस्तों पर मिलती है। अमेरिका का बना अंडरवियर बनियान भी हिंदुस्तान की छोटी छोटी बाजारों में किस्तों पर मिलता है। ये जो बाजार में किस्तों पर सामान मिल रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि बाजार मेहरबान हो गया, ले जाओ भैया किस्तों में ही। वो इसलिए किस्तों में बेचता है, उसको मालूम है कि उसका माल रुक गया, बिकता ही नहीं, इसलिए बिके कैसे भी बिके ले जाओ, किस्तों पर ही ले जाओ। तो हालत क्यों बनी? तो कह रहे बाजार में जो खरीदार है उसकी हैसियत लगातार घट रही है, गिर रही है। तो बाजार की खरीदार की ताकत बढ़नी चाहिए। खरीदार की ताकत कैसे बढ़ती है? जो ज्यादा वेतन पाता है वो ज्यादा खरीदारी करता है। इसी विषय को सामने रखकर हमने सरकार को कहा कि एक बार पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एक बहस आनी चाहिए। आज देश के पब्लिक सेक्टर जहां न्यूनतम औसत वेतन लगभग 40,000 मिलता है, वही प्राइवेट सेक्टरों में
40,000 वेतन पाने वाले किसी कंपनी में 40 लोग भी ढूंढ पाना मुश्किल है। तो एक तरफ तो देश के सामने, सरकार के सामने गिर रही बाजार की अर्थव्यवस्था, उसको संभालना, बाजार में लिक्विडिटी लाई जाए, इसके लिए सब प्रकार के प्रयत्न करी किए जा रहे। अरे चुप रहे भाई, हो गई आपकी बात। तो एक तरफ बाजार को मजबूत करने के लिए सरकार इधर उधर से पैसा निकाल करके बाजार में लगाने का कोशिश कर रही है, वही पैसा उसी ताकत से अगर मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए, मजदूरों की ताकत बढ़ाई जाए, तो बाजार को अलग से पैसा दे करके उसको मजबूत करने का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए भारतीय मजदूर संघ की मांग है, हम प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं, लेकिन जो ऑब्लिगेशन, जो उत्तरदायित्व देश में इंप्लॉयमेंट देने का, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का देश के पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं, अगर वही उत्तरदायित्व तो निजी क्षेत्र भी संभालते हैं तो हम भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरी बात, सरकार की नीतियों के कारण, एक्सेस लिबरलाइजेशन के कारण इन्होंने कहा हम उदारीकरण लाए, तो कितना उदार होना, इतना उदारीकरण कर दिया है सभी क्षेत्रों में, इतने कंपटीटर आ गए कि सभी के सभी सेक्टरों का हालत खराब है। आज हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं ना ना ट्रांसपोर्ट की बात मत करो, पूरा ट्रांसपोर्ट घाटे में है। हम हवाई जहाज के सेक्टर की बात करते हैं तो एयर इंडिया घाटे में है, पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर घाटे में है, पूरा टेलीकॉम सेक्टर घाटे में है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं जहां जहां कंपटीशन आया वहां काम करने वाली कंपनियां घाटे में लगे, सब लोग ब्लीड कर रहे, पैसा डूब रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। यह देश का पैसा है, नेशनल वेल्थ है, इसीलिए आज लोग कहते हैं हम मिनिमम पेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वेतन देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री चलाना अफोर्ड नहीं हो रहा, कोई भी उद्योग सस्टेन कर पाएगा आज इसके लिए चिंताएं पैदा हो गई। इन सब का कारण कुल मिलाकर के दोषपूर्ण आर्थिक संरचना, आर्थिक नीति का दोष है। इसलिए बीएमएस की मांग है, बीएमएस का सुझाव है, सरकार ने कैपिंग तय करनी चाहिए, एक लिमिट करो, एक सीमा तय करो, एक क्षेत्र में कितने कंपटीटर रहेंगे, अंधाधुंध कंपटीशन के नाम पर पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो रही है। कभी वो बैंक में फंडिंग कर रहे हैं, कभी बाजार में फंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब दोषपूर्ण अर्थनीति के कारण सारी स्थितियां बनी है। एक और तर्क बताया जा रहा, देश में बिजनेस बढ़ाना है तो भारत के श्रम कानून बहुत कठोर है, ऐसे देश और दुनिया के बड़े बड़े पंडितों के बयान आते हैं कि भारत का श्रम कानून बहुत कठोर है, इसके कारण यहां बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा, इसलिए यहां के सारे कानून बदले जाने चाहिए। और रोज 1991 से लेकर आज तक लगातार एक अंधी मुहिम चल रही देश में, श्रम कानूनों को बदल दो मिटा दो, एक ऐसा अभियान चल रहा। पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने मनमानी रवैया अख्तियार किया, सारे कानून बदल दिए। हमने भी अध्ययन किया, बहुत सारे और लोग उसका अध्ययन करके आए। आज हम सबको पूछ रहे हैं, सरकार को भी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें बताया, जो लोग इसके
एडवोकेट है, पैरोकार है कि स्वयं कानूनों के कारण बिजनेस डेवलपमेंट में समस्या आती है, तो पिछले 4 साल से राजस्थान में सब श्रम कानून बदल दिए गए। क्या राजस्थान में बिजनेस बढ़ा, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा? अध्ययन करने से जो रिपोर्ट मिलती है, कोई बिजनेस नहीं बढ़ा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। और इसलिए श्रम कानूनों में बदल के नाम पर ये जो इंडस्ट्रीज को कर्मचारियों के साथ मनमानी करने का अधिकार देने का एक अभियान, एक पहल प्रारंभ हुई है, भारतीय मजदूर संघ ऐसी जबरदस्ती ऐसी पहल को चलने नहीं देगा। हम ऐसी सरकार, ऐसे लोग, ऐसी नीतियां बनाने वाले लोग जो ये इच्छा रखते हैं कि सारे कानून समाप्त कर देंगे, हम उनको चेतावनी लेना चाहते हैं। इस दृष्टि से अगर हमारी तरफ देखना चाहते हो तो ऐसी हर ताकत को जो ये मंसूबा रखती है कि सारे श्रम कानून समाप्त किए जाएंगे, मजदूर ऐसी सरकार और सरकार के मंसूबा रखने वालों को समाप्त करेगा। ये श्रम कानून हमारे वर्षों की कुर्बानी के बाद हजारों लाखों लोग हमारे जीवन तक कुर्बान करके आए, उन कुर्बानियों का, उन तपस्या का प्रतिफल है ये अधिकार हमको मिले हैं, जो सुरक्षा मिली है। इसको कोई ऐसे ही बदल करके चला जाएगा, हम उसकी इजाजत नहीं देते, उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथियों, मैंने कहा एक अंधाधुंध एक पहल चल रही है, किसी भी हाल में बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पर एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा जिसमें सरकार और उसकी नीतियां बनाने वाले लोगों को लगता है कि ये जो मजदूर है, ये जो मनुष्य नाम की चीज है, इसका विचार नहीं होना चाहिए। बिजनेस की तरक्की के लिए कुछ भी करो, और इसलिए करते समय जब वो कर रहे तो कानून बदल दो, छटनी करने की जरूरत पड़ती है छटनी कर दो, वेतन काटने की जरूरत पड़ती है वेतन काट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो भी विषय आता है उसको आगे बढ़ाते रहना। भारतीय मजदूर संघ की मांग है, हम पिछले दशकों से इस विषय को लेकर जो प्रयत्नशील है कि धरती पर जब भी पहली आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हुई थी तो उसका उद्देश्य था कि जो आर्थिक गतिविधि चल रही है इससे मनुष्य के लिए खुशी जुटाना है, सुख सुविधा जुटाना है। और चलते चलते आज सब लोग यहां पहुंच गए कि हमने बिजनेस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करना है करो, लोगों को नौकरी से निकाल दो, कंपनी बंद कर दो, वेतन काट दो। शुरू कहां से हुए थे, जांच कहां रहे, आवश्यकता और उद्देश्य के एकदम विपरीत दिशा में सारी पहल बढ़ गई। और इसलिए आज दुनिया में, दुनिया के 1% लोग दुनिया की 78% संपदा पर काबिज है।